प्रेज लॉर्ड, सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, शालोम एवरीवन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तुम्हें सब देते रहता, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए। हालेलुया। आइए समय सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, सब मिलकर प्रभु की तारीफ करें, सब मिलकर प्रभु के बड़े नाम को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर होली नेम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, इस सुबह में प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषे दी मुझे तूने भरपूरी से, आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपके और मेरे प्रभु ने आपको और मुझे शून्य से यहां पर लेकर आया। धन्यवाद हो यीशु का कि प्रभु ने हमारे जीवन में हमें शून्य से वो खुदा यहां पर लेकर आया है। हमारा प्रभु हमें शून्य से यहां पर लेकर आया है, जब हम लोग कुछ भी नहीं थे। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे, तभी यीशु ने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम लोग उस उद्धार के अनुभव में हैं, हम लोग प्रभु के उस उद्धार के अनुभव में हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की भलाइयों के लिए। थैंक यू जीसस। आइए समय हम लोग सब एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। मैं क्षमा चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 5-10 मिनट। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, सब मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, सब मिलकर थोड़ी देर के लिए प्रभु से कहें, प्रभु तू भला है, प्रभु प्रभु मेरी जिंदगी में तू भला है, मेरी परिस्थितियों में तू भला है, मेरी हर एक सिचुएशन में खुदा तू भला है।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, कोई कमेंट ना करें, कोई कुछ भी ना लिखे, मगर अपनी आंखों को, आप जहां कहीं भी है, अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। थोड़ी देर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उन्हें दीजिए पवित्र आत्मा आपके मध्य में कार्य करने का। उन्हें दीजिए पवित्र आत्मा आपके मध्य में कार्य करने का। इधर उधर मत देखिए, अपने मोबाइल की तरफ भी मत देखिए, मगर थोड़ी देर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु कुछ अद्भुत आज आपके जीवन में करने जा रहे हैं। प्रभु आज कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने जा रहे हैं। प्रभु कुछ अद्भुत आपके हृदय में करने जा रहे हैं। प्रभु आज आपकी सिचुएशन में कुछ नया करने जा रहे हैं। मैं आज की सुबह में आप सबके लिए इस बात को प्रोक्लेम करता हूँ। मैं आज की सुबह में आपके लिए इस बात को प्रोक्लेम करता हूँ। आज प्रभु का एक अलग सा फेवर आपके जीवन में आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का दिन कई बड़े ब्रेक थ्रू का दिन होने पाए। आज का दिन कई बड़े छुटकारे का दिन होने पाए। आज का दिन आपके जीवन में प्रभु के साथ में चलने का दिन होने पाए। आज का संपूर्ण दिन आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में आनंद करने का दिन होने पाए। आज का संपूर्ण दिन पाप रहित होने पाए। आज का संपूर्ण दिन पवित्रता में जीने वाला दिन होने पाए। आज का संपूर्ण दिन किसी के अगेंस्ट में बात करने वाला ना हो, मगर किसी को इनकरेज करने वाला दिन होने पाए। किसी को जज करने वाला दिन नहीं होने पाए, मगर किसी के पापों को ढापने वाला दिन होने पाए। इस समय को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। आपके लोगों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। आपकी बड़ी दया आज इन्हें छूने पाए, आपकी बड़ी सामर्थ आज इन्हें छूने पाए, या आपके फेवर को देखने पाए। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के सामर्थी, अद्भुत और कभी ना बदलने वाले नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आज की सुबह में आप प्रभु के साथ आनंद कर रहे हैं और आज का संपूर्ण दिन आप सबके लिए बहुत आशीषित होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस समय सभी लोग इसे शेयर करें, और जिन जिन लोगों ने इसे शेयर कर दिया है प्लीज़ मुझे बताएं। जो WhatsApp पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको लिंक पता चलती है, उस लिंक को आप तुरंत, क्योंकि हम लोग एक ही समय में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप तुरंत उसे ब्रॉडकास्ट कर दें। और यदि आप उसे तुरंत ब्रॉडकास्ट करते हैं तो कई लोग हमारे साथ इसे देख सकते हैं। जिन जिन लोगों ने शेयर कर दिया है प्लीज़ मुझे लिख कर बताएं कि आप लोगों ने शेयर कर दिया है। हालेलुया। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों ने जो वीडियोज़ भेजे हैं वो हमें मिले हैं, और आपने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाया, वीडियो हमें भेजा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी के लोग भी अपने वीडियोस भेज रहे हैं। हालेलुया। हम लोग एक एक कर आपके वीडियोस को हम अपने पेज पर डालेंगे, और जिससे कि कई लोग इनकरेज हो। साथ ही साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक प्रोमो वीडियो बनाएं, और उस प्रोमो वीडियो में हम आप सबके छोटे छोटे क्लिप्स डालें। मुझे नहीं पता इतने सारे लोगों के क्लिप्स डालना कैसे संभव हो पाएगा, मगर कोशिश करेंगे। सो जितने लोगों ने अभी भी अपने वीडियोस नहीं बनाकर भेजे हैं वो जरूर भेजें। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो वो मोबाइल को अपने हाथ में पकड़कर बना रहे हैं, या किसी को आप उन्होंने सामने खड़ा कर दिया है और वो ऐसे हाथ को हिला रहा है और वीडियो बना रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी स्थान पर, किसी टेबल पर अपने मोबाइल को सेट कर दें और फिर आप वीडियो बनाएं, जिससे कि जब हम लोग प्रोमो वीडियो बनाएंगे तब ऐसी कोई भी मिस्टेक जो है वो ना दिखे। हालेलुया। आइए क्यों हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। आइए सब लोग निकाल लीजिए मत्ती इसका 7वां अध्याय और इसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मत्ती इसका 7वां अध्याय इसकी पहली आयत से लेकर तो 5वीं आयत तक हम लोग कुछ बातों पर मनन करेंगे। आज का वचन जो है वो महत्वपूर्ण है और हमारे हमारे हृदय में काम करेगा, इसलिए बड़े ध्यान से इसे सुने, ठीक है। जिन जिन लोगों ने शेयर कर दिया है प्लीज़ शेयर करते जाइए, मुझे बताइए कि आपने शेयर कर दिया है, ठीक है। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज जो मैं वचन प्रचार करने वाला हूँ वो ये है, जज योर सेल्फ नॉट अदर्स। जज योर सेल्फ नॉट अदर्स, हिंदी में जिसे कहते हैं अपने आप को जांचो या परखो, दूसरों को नहीं। अपने आप को जांचो परखो, दूसरों को नहीं। अब मैं आपके लिए कुछ बाइबल वर्स पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैथ्यू चैप्टर 7 और इसकी फर्स्ट वर्स से
मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आग के तिनके को देखता है और अपनी आग का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख में लट्ठा है और तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख के तिनके तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। अब सुनिएगा, बड़े बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। हमारे लिए दूसरों की मिस्टेक निकालना बहुत आसान है, हमारे लिए दूसरों की मिस्टेक निकालना, दूसरों की गलतियां निकालना बहुत आसान काम है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपका ये जो पड़ोसी है इसमें क्या क्या गलत बातें हैं, उन्हें बताइए, आप बहुत इजी तरीके से, आप बहुत आसानी से उसकी गलतियों को मुझे बहुत जल्दी जल्दी बताना करेंगे। इसमें ये गलती, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। दूसरों की कमियों को बताना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मगर जब बात आती है हमारी गलतियों को देखने की, स्वयं की गलतियों को देखने की, तब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ दिनों पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था और उस भाई ने बात करते करते कहा, पास्टर मुझे बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं अपनी किन गलतियों को सुधारूं, मुझे बहुत कठिन हो रहा है कि मैं अपनी किन गलतियों को सुधारूं। मैंने उस भाई से कहा, ऐसी बहुत सारी हैं, हालेलुया, ऐसी बहुत सारी है, मगर समस्या क्या है पता है, जब हम लोग दूसरों के जीवन में देखते हैं हमें बहुत आसानी से समस्याएं और गलतियां, उनकी वीक पॉइंट, उनकी कमियां हमें बहुत आसानी से दिख जाती है, मगर जब बात आती है हमारी कमियों की, तब हमारी कमियों को देखना हमारे लिए कठिन हो जाता है। बाइबल कहती है कि अपनी दृष्टि में तो जो मनुष्य होता है वो जो करता है वो अच्छा होता है अपनी दृष्टि में, मगर जब हम लोग अपने आप को चेक कर रहे हैं हमें दूसरों की दृष्टि से भी अपने आप को देखने की जरूरत है। सब लोग भी, मैं इसे बहुत आराम आराम से लेकर चल रहा हूं, मगर जो मेन मुद्दा है मैं आप लोगों के साथ आखिरी में डिस्कस करूंगा। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को देखना बड़ा आसान है, जब हम लोग बड़ी बड़ी गलतियां तो हम लोग इजीली किसी की भी देख ही लेते हैं, मगर उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी फोकस करना हमारे लिए बड़ा आसान है, मगर सेम टाइम पर हमारी बड़े बड़े ब्लंडर्स को, हमारी बड़े बड़े मिस्टेक्स को हम लोग कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। और बाइबल यहां पर कह रही है कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अब अगले वर्ष में क्या लिखा है बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अब सुनना, यहां पर ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो शायद तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है मैं सोचूंगा कि शायद तुम पर भी दोष लगाऊ, नहीं, यहां पर शायद नहीं लिखा हुआ है, यहां पर प्रभु ये नहीं कह रहा है कि हो सकता है कि यदि तुमने किसी को जज किया तो दोष लगाया जाएगा, नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया, इसका मतलब यह है हम जो दूसरों के लिए करते हैं, हम जो दूसरों की कमियों को लोगों को बताते हैं, जब हम लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं सेम स्टोरी हमारे साथ रिपीट होने वाली है। बड़े ध्यान से समझना, इस वर्स में लिखा हुआ है कि दोष शायद लगाया जाएगा, नहीं, यहां पर लिखा हुआ है तुम पर दोष लगाया जाएगा। यह पक्का है कि यदि आपने किसी को जज किया वो सेम जजमेंट आप पर आने वाला है। यदि आपने किसी के कैरेक्टर के विषय में लोगों से बातचीत करी, यदि आपने किसी के कैरेक्टर को लेकर उस सब लोगों को बताया, एक समय आने वाला है जब उस सेम सिचुएशन को आप भी फेस करेंगे।
आगे लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब लोगों को जज करते समय जो पैमाना आप रखते हो, नापना मतलब किसी चीज को नापने के लिए, तोलने के लिए कोई पैमाना चाहिए। और बाइबल कह रही है कि जब हम लोग दूसरों को जज करते जिस पैमाने से, जितना नीचे गिरकर, आज की सुबह किसी के लिए ऐसी हो सकती है कि आज सुबह सुबह आपने करेला खाया हो, नीम की पत्ती खा ली हो, हालेलुया, किसी ने मेथी दाना खा लिया हो, यह वचन शायद किसी के लिए ऐसा हो सकता है। मगर मैं आपको डाउन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज दिन भर में आपको क्या नहीं करना है। हम लोग रोज ये सीखते हैं कि हमको ये करना है, हमें हमारे लिए प्रोफेसी करना है, हमें लोगों के साथ अच्छे, सब सारी चीजें, मगर आज हमें क्या करना है पता है, हमें लोगों को जज नहीं करना है। क्योंकि जिस नाप से हम लोग नापते हैं, पता है कई लोग बड़े बड़े नीचे स्तर पर आ जाते हैं जब वो किसी के विषय में बात करते हैं, वो उनके कैरेक्टर के विषय में कहेंगे, उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर के विषय में कहेंगे, वो जितने डाउन हो सकते हैं, जितने गिर सकते हैं उतना गिरकर लोगों के बारे में कहेंगे। और ये उनका पैमाना होता है कि उन्होंने अपने पैमाने को, अपने उस नाप को बहुत नीचा कर दिया है। मगर जब आप लोगों को जांचते समय उस पैमाने को इस स्तर तक लेकर आते हैं, एक दिन वही स्तर, वही पैमाना जो है आपके लिए भी रखा जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी शायद नापा जाएगा, नहीं उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि शायद नापा जाएगा, शायद देखा जाएगा, नहीं। बाइबल कह रही है कि ये होकर रहेगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूं। बाइबल में लूका इसका 18वां अध्याय और इसकी 10वीं आयत, लूका इसका 18वां अध्याय और इसकी 10वीं आयत, बड़े ध्यान से सुनना आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी का मतलब है जो अपने आप को बड़ा धार्मिक समझता था, फरीसी का मतलब है जो अपने आप को बड़ा ही प्रतिष्ठित, धार्मिक, स्पिरिचुअल, रिलीजियस समझता था। और जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, जैसे कि हमने जक्कई के बारे में पढ़ा है कि वो टैक्स कलेक्टर था। ये यहां पर दो व्यक्ति है जो आराधनालय में है, यहां पर दो व्यक्ति है जो प्रभु की उपस्थिति में है, जो प्रभु के उस भवन में है। और बाइबल कहती है यहां पर दो लोग हैं, एक फरीसी है जो अपने आप को धर्मी समझता है और लोग भी उसे धर्मी समझते हैं। सुनिए, ये खुद भी अपने आप को धर्मी समझता है और लोग भी इसे धर्मी समझते हैं। दूसरा चुंगी लेने वाला, ये स्वयं को धर्मी नहीं समझता है और ना ही लोग इसे धर्मी समझते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये खुद भी अपने आप को धर्मी नहीं समझता और साथ ही साथ लोग भी इसे धर्मी नहीं समझते। अब आगे क्या लिखा हुआ है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं थैंक्स गिविंग करता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। पता है इसकी पहली ही प्रार्थना में, इसके पहले ही वचन में ये क्या कर रहा है पता है, ये अपनी प्रार्थना को स्टार्ट कर रहा है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं धर्मी हूं, मगर इसलिए क्योंकि मैं दूसरे मनुष्यों के जैसा नहीं हूं। पहली लाइन दूसरों से कंपेयर करने वाली है, पहली लाइन दूसरों को जज करने वाली है कि दे आर नॉट रिलीजियस, दे आर नॉट स्पिरिचुअल, वो धर्मी नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। कौन है धर्मी? प्रभु मैं हूं धर्मी। पहली प्रार्थना में, पहली वर्ड में कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्या हूं, मगर इसलिए क्योंकि लोग क्या है। हालेलुया। अगली बात ध्यान से सुनिए, आगे लिखा हुआ है, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला
अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। हालेलुया। मैं इस प्रश्न को करने लगा, इसका लेना देना क्या था उस बंदे से, उस चुंगी वाले से लेना देना क्या था, उस चुंगी वाले से, उस टैक्स कलेक्टर से इसका लेना देना क्या था? पता है कई बार हमें लोगों से कोई लेना देना नहीं है, स्टिल वी विल टॉक अगेंस्ट देम। हमें लोगों से कोई देना लेना देना नहीं है, ना वो आपके आपके लिए प्रॉब्लम है ना आप उसके लिए प्रॉब्लम है। दोनों के प्रोफेशनल अलग है, एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला है। दोनों के प्रोफेशन मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों के कार्य क्षेत्र एक नहीं है, मगर तभी भी पता है यदि आपका स्वभाव जज करने वाला है, यू विल जज एवरीवन। यदि आपका हृदय लोगों को जज करने वाला है, यू विल जज योर पास्टर, यू विल जज योर चर्च मेंबर, यू विल जज एवरीबॉडी। आप सबको जज करेंगे, फिर आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, और हो सकता है आप किसी दिन प्रभु को भी जज करें। मैं सिर्फ आप लोगों को आपके आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आज से हम लोगों को जज नहीं करेंगे। ये जज करने वाली बात, ये लोगों के अगेंस्ट बात करने वाली बात, ये लोगों के विरुद्ध बात करना, ये जो जज करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम प्रभु के दासों को कई बार जज करने लग जाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक पेज पर था और उस पेज पर एक बंदा टाइप करने लगा और टाइप कर कहता है, उसने पास्टर का नाम भी लिखा और कहता है कि वो जो पास्टर है उसके लिए प्रार्थना करो क्योंकि वो व्यभिचार में पड़ गया है, उस पास्टर के लिए प्रार्थना करो क्योंकि वो अपने चर्च में लोगों को ये कर रहा है वो कर रहा है, और वो लिटरली लोगों के नाम पास्टर्स के नाम टाइप करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताएं हम कब लोगों को जज कर सकते हैं? जब हमने कभी कोई गलत नहीं किया है। हालेलुया। हम तब लोगों का न्याय कर सकते हैं, हम तब लोगों के अगेंस्ट में बोल सकते हैं जब हमने कोई पाप नहीं किया है। मगर यदि हम लोगों को जज कर रहे हैं, वो सेम जजमेंट हम पर आएगा 100%। जिस विषय में आप लोगों के विषय में बात कर रहे हो, जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों के अगेंस्ट में बात कर रहे हो, वो सेम सिचुएशन आपको भी शायद बाइबल के अनुसार तो शायद नहीं लिखा, मैं तो भी शायद बोल रहा हूं, मगर बाइबल में लिखा हुआ है वो सिचुएशन में आपको भी जज किया जाएगा। हालेलुया। सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। और ये बंदा क्या कहता है पता है? पहली लाइन में जज कर रहा है, फिर कहता है मैं इस व्यक्ति के जैसा नहीं हूं। हालेलुया। आपके लिए कंपैरिजन लोग नहीं है। बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है इसके जैसा बनो उसके जैसा बनो? बाइबल में लिखा हुआ है मेरे जैसा बनो। यीशु कहता है मेरे जैसे मुझसे पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आपका पैमाना लोग नहीं है, आपका कंपैरिजन या आपको लोगों के जैसे नहीं बनना है, आपको यीशु के जैसे बनना है। हालेलुया। आप लोगों को लोगों के जैसे नहीं, प्रभु मेरे चर्च का ये मेंबर जो है ये अच्छा नहीं है, मुझे ये पापी है, नहीं। आपका कॉम्पिटिशन, मुझे ऐसा कहना चाहिए, आपका कॉम्पिटिशन उससे नहीं है, आपको यीशु के जैसे बनना है। अब ध्यान से सुनिए वो क्या कहता है। मैं सप्ताह में दो बार उपवास रखता हूं। हालेलुया। सुनिए, अब ये बता रहा है मैं कितना स्पिरिचुअल हूं, मैं कितना धार्मिक हूं। मैं अपनी सब कमाई का दसवांश भी देता हूं। सुनिए, मैं दो बार उपवास रखता हूं और दसवांश देता हूं। ये दिखाता है कि वो बता रहा है मैं कितना रिलीजियस हूं। अगर वो दसवांश देता है, वो उपवास करता है, मतलब चर्च भी जाता है। आपको पता है एक घमंड मसीह लोगों में बहुत होता है और उसे कहते हैं स्पिरिचुअल प्राइड। आई हैव दिस गिफ्ट, आई कैन स्पीक इन टंग्स, आई कैन प्रोफेसाई, मैं बहुत बड़ा दसवांश देने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत ऑफरिंग देने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने जीवन में
ये करता हूं, मैं हफ्ते में दो बार उपवास करता हूं। स्पिरिचुअल प्राइड नॉर्मल प्राइड से भी खतरनाक है, सुनिए, स्पिरिचुअल प्राइड नॉर्मल प्राइड से भी खतरनाक है। उसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि नॉर्मल प्राइड में तो आपको समझ में आता है, मगर जिस समय आप स्पिरिचुअल प्राइड में होते हो, जब आप आत्मिक क्षेत्र में, जब आप स्पिरिचुअल प्राइड में होते हो, उस समय आपको समझ में भी नहीं आता है, जैसे इस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो समझ रहा है मेरे दशमांश देने से, मेरे चर्च जाने से, मेरे मेरे भेंट को देने से, मेरे उपवास करने से प्रभु प्रसन्न हो रहा है। सुनिए आगे बड़े ध्यान से सुनना, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर पास भी नहीं आया, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। वो दूर भी खड़ा है, वो स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठा रहा है, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आगे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बाइबल कहती है कि यह व्यक्ति जो अपनी छाती पीट रहा है, यह व्यक्ति जो स्वर्ग की ओर भी शर्मिंदा होकर नहीं देख रहा है, यह व्यक्ति जो पास भी नहीं आ रहा है, यह घर जाते समय धर्मी कौन ठहराया जाएगा पता है? वो नहीं जो अपने आप को रिलीजियस मान रहा है, वो नहीं जो दशमांश दे रहा है, वो नहीं जो अपने आप को बड़ा धर्मी कह रहा है, मगर वो व्यक्ति जिसके हृदय में प्रभु के लिए वो रिस्पेक्ट है और कह रहा है प्रभु मैं इस योग्य नहीं। जो लोग जज करते हैं वो लोग धर्मी नहीं है, जो लोगों को जज, मगर जो लोग प्रभु के सामने खड़े होकर कहते हैं प्रभु मैं शायद इस योग्य नहीं, हालेलुया, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे माफ कर दे। पता है जिस मोमेंट पर आप दूसरों की गलतियां निकालते हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए, सुनिए, जिस समय आप दूसरों की गलतियां निकालते हैं, पास्टर विशाल की ये गलती, पास्टर विशाल की वो गलती, पास्टर विशाल ने ऐसा किया, पास्टर विशाल ने ये किया, पास्टर विशाल, ये जब आप दूसरों की गलती निकालते हैं, आपको बताएं आप स्पिरिचुअली गिर जाते हैं, आप आत्मिक रूप से गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, जब आप दूसरों की बुराई करने में लगते हैं, आप अपने शरीर का भी नुकसान करते हैं। सुनिए, जब आप दूसरों की कमी निकालते हैं आप गिरते हैं, मगर जिस समय आप खुद की कमी निकालते हैं आप स्पिरिचुअली और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं। सुनिए ध्यान से, यदि मैं कमियां निकालने बैठूं, विशाल की ये गलती, विशाल की वो गलती, विशाल की ये गलती, और जब मैं उसकी कमियां निकाल रहा हूं मैं आत्मिक रूप से डाउन हो रहा हूं, मगर जिस समय मैं सोच रहा हूं अरे यार मेरे लाइफ में यहां पर कमी है, मेरे लाइफ में ये कमी है, मैं यहां पर बहुत गुस्सा कर देता हूं, मैं यहां पर बहुत ये गलती कर देता हूं, और जिस मोमेंट पर मैं अपनी गलतियों को निकालता हूं पता है मैं उसे करेक्ट करने लगता हूं, जब मैं उसे करेक्ट करने लगता हूं मैं स्पिरिचुअली भी ग्रो करता हूं और मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ग्रो करता हूं। पता है रीजन क्या है? क्योंकि मैं अपनी कमियों को निकाल कर उसे अच्छाई में तब्दील कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनना, जब आप दूसरों की कमियां निकालते हैं आप हर एक क्षेत्र में और आत्मिक क्षेत्र में गिर जाते हैं, मगर जब आप अपनी कमियां निकालते हैं आप आत्मिक रूप में और अपने जीवन के सारे क्षेत्र में आप उन्नति पाते हैं। अब फिर से ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा हुआ है जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं, जिस नाप से हम नापते हैं उस नाप से हमें हमारे लिए नापा जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या है पता है? हमने यदि लोगों के जीवन को देखकर उनके जीवन में बुराई बोई है हम लोग बुराई काटेंगे। यदि हमने कहा कि यार विजय ऐसा है, शाम ऐसा है, अकीश ऐसा है, इनमें ये गलतियां हैं, तो हमने बोया क्या है? हमने बुराई बोई है, रिटर्न में हमारे पास भलाई नहीं आएगी, वो सेम बुराई हमारे लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। सुनिए ध्यान से मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कई बार घर में पत्नी इस बात को कहती है, मेरी पत्नी भी कहती है, मैं दिन भर तुम्हारा काम करते रहती हूं, मैं दिन भर मेरे बेटे का काम करती रहती हूं, मैं दिन भर काम ही करते रहती हूं, मुझे मेरे बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मुझे मेरी प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। सुनिए, जब वो हमारे कामों को कर रही है, जब वो पति के और बेटे के कामों को कर रही है, उसे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। आप एग्री है मेरे साथ? सुनिए ध्यान से, जब वो मेरे लिए दिन भर काम करती है, मेरे लिए खाना बनाना सारे काम जब मेरे लिए करती है, मेरे बेटे के लिए दिन भर काम करती है, तो उसे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। और पत्नियां ये बहुत फ्रीक्वेंटली डायलॉग मारती है, इस बात को कहती है, और वो सही भी होती है कि वो दिन भर हमारे लिए काम करती है और उसे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। कितने लोग मुझसे सहमत है? हालेलुया। जितनी बहनें होंगी, जितनी गृहणियां होंगी, वो इस बात से सहमत होंगी। जब आप अपने पति के लिए, अपने फैमिली के लिए काम करती है, उस समय आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, मैं इस स्टेटमेंट को फिर से दोहरा रहा हूं, जब पत्नी पति और बच्चे के लिए दिन भर काम करती है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। सेम मैनर में सेम बात क्या है पता है, जब हम लोग दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की को जज करने में, दूसरों की कमियों को निकालने में जब हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, खुद की कमियों को निकालने का टाइम नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिए, जब हम लोग दूसरों की कमियां निकालने में, दूसरों को जज करने में जब हम लोग व्यस्त होते हैं, वो सेम टाइम पर हमारे पास समय ही नहीं होता है अपनी कमियों को देखने का। और यदि हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, हम उसे करेक्ट नहीं करते हैं, यदि हम उसे करेक्ट नहीं करते हैं, हम हमारे जीवन में, अपने जीवन में उन्नति को नहीं पाते। हालेलुया। यदि आप पर मैं व्यस्त है लोगों की कमियां निकालने में, यदि आप पर मैं व्यस्त है लोगों को का न्याय करने में, यदि हम लोग व्यस्त है दूसरों पर दोष लगाने में, मुझे कहने दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं बचेगा अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करने के लिए, हमारे पास समय नहीं बचेगा अपनी गलतियों को समझने में, और हमारे पास समय नहीं बचेगा अपनी लाइफ में उन्नति करने में। जिस मोमेंट पर हम लोग लोगों की गलतियों पर फोकस करते हैं, हम लोग उस समय को नहीं बचा पाते जहां पर हम अपनी गलतियों पर फोकस करें। जो लोग, यहां पर लिखा हुआ है, वो व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा जो उस चुंगी लेने वाले को पर दोष लगा रहा था, मगर वो व्यक्ति धर्मी ठहरा जो अपने ऊपर दोष लगा रहा है। फिर से ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा घर जाते समय जो दूसरे की कमियां बता रहा है, वो व्यक्ति धर्मी ठहरा जो अपनी गलतियां प्रभु को बता रहा है। आप में से कितने लोग जज करते समय अपने आप को जज करते और बोलते हैं, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, कितने लोग अपने जीवन में इस बात को कहते हैं, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है। रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी स्टिकर्स ना डाले, ठीक है, प्लीज स्टिकर्स मत डालिए। सुनिए बड़े ध्यान से, यहां पर प्रभु ने एक्सेप्ट उसे नहीं किया है, यहां पर प्रभु ने एक्सेप्ट उसे नहीं किया है, यहां पर प्रभु उस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो व्यक्ति अपने आप को धर्मी साबित कर रहा है, मगर प्रभु उसे एक्सेप्ट कर रहा है जो अपनी कमियों को प्रभु को बता रहा है। क्या प्रभु के सामने आते हैं अपने आप को धर्मी प्रेजेंट करते हैं, या फिर प्रभु के सामने आते समय आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को लेकर आते हैं? क्या आप लोगों को से कंपेयर कर कहते हैं, प्रभु इसने ये पाप किया था, इसने ये पाप किया था, या प्रभु के चरणों के पास आकर कहते हैं, प्रभु माफ कर दीजिए, प्रभु मेरे जीवन में ये गलतियां चल रही,
जब हम अपनी गलतियों को देखते हैं, जब हम अपनी कमियों को देखते हैं, हम उन्नति पाते हैं। जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, हम लोग घटते जाते हैं। फिर से सुनिए, जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, हम घटते जाते हैं, मगर जब हम अपनी कमी को देखते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। मेरा प्रश्न आपसे, आज तक आप दूसरों को जज करने में लगे थे, दूसरों पर न्याय करने में लगे थे, दूसरों पर दोष लगाने में लगे थे, या फिर आप अपने आप को जांच रहे थे? हालेलुया। आपको पता है यीशु का कैरेक्टर क्या है? यीशु का कैरेक्टर क्या है? यीशु का कैरेक्टर है पापों को ढांपने का। मगर मनुष्य का कैरेक्टर क्या है पता है? जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, वो लोगों को एक्सपोज करने का काम करते हैं। यीशु ने बाइबल में किसी को एक्सपोज नहीं किया, इवन उस स्त्री को भी नहीं जिसे लोग व्यभिचार करते हुए पकड़ कर लाए थे। वी आर नॉट हियर टू एक्सपोज समबडी, वी आर नॉट हियर टू एक्सपोज समबडी। हालेलुया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यह बात बता रहा हूं, सुनिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यह बात बता रहा हूं। मैं किसी को किसी पर दोष लगाने के लिए बात नहीं बता रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इन दिनों में यदि मैं ऐसा प्रचार करना चालू कर दूं कि आज कलीसिया की कमियां क्या है, मैं प्रचार करना चालू कर दूं कि कलीसिया में आजकल व्यभिचार हो रहा है, मैं प्रचार करना चालू कर दूं कि कोई पास्टर है और मैं उसे एक्सपोज करूं, आपको पता है अगर आज मुझे 106 लोग 109 लोग देख रहे हैं, ये तुरंत 200 300 500 और 1000 में बढ़ जाएंगे। उसका रीजन क्या है पता है? जहां पर चुगली होती है, जहां पर बुराई होती है, वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। फिर से सुनिए, जहां पर चुगली होती है, जहां पर बुराई होती है, जहां पर चुगली होती है, जहां पर बुराई होती है, वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं। मगर जहां पर पापों को ढापा जाता है, वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं होते। और मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कोई भी प्रीचर जो किसी को एक्सपोज करने की मिनिस्ट्री कर रहा है, स्टॉप लिसनिंग टू हिम। उसका रिजल्ट क्या होगा? आप भी लोगों को जज करना प्रारंभ कर देंगे। परखने का आत्मा अलग बात है, लोगों को परखो। यदि मैं गलत प्रोफेसी कर रहा हूं, यदि मैं गलत प्रचार कर रहा हूं, मुझे आप आत्मा के द्वारा परखिए, बाइबल में लिखा हुआ है। मगर मुझे एक्सपोज करना यदि आप प्रारंभ करेंगे, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डाउन करेगा। फिर से मेरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज लोग अपने आप को जस्ट लोगों के सामने की लोग मेरे प्रचार को सुने, वो एक्सपोज लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। आप जब न्यूज चैनल पर देखेंगे, यदि न्यूज चैनल पर यदि साधारण खबरें चले कि आज मौसम इतना था, आज यहां पर ये प्रॉब्लम हो गई है, वहां पर वो प्रॉब्लम हो गई, आप लोग उसे ज्यादा देखना नहीं पसंद करेंगे। मगर जैसे ही आपको पता चलेगा, जैसे ही आपको पता चलेगा कि किसी चैनल पर किसी व्यक्ति विशेष को एक्सपोज किया जा रहा है, उसके उसका उसका कोई वीडियो हासिल हुआ है, उसका कोई एमएमएस बना था वो हासिल हुआ है, आप क्या करेंगे पता है? ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि कोई एक्सपोज हुआ है। मगर पता है जब 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 कोई एक्सपोज होता है, यीशु उस समय क्या करता है? यीशु उसको एक्सपोज नहीं करता है, यीशु उसे कवर करता है, उसके पापों को ढांपता है। हमें लोगों को जांचना है कि वे लोग, हमें लोगों को जरूर जांचना है, लोगों को जरूर परखना है, मगर उन्हें एक्सपोज करने का काम हमारा नहीं है। पौलुस ने अपनी कलीसिया के लोगों को सिखाया कि चर्च में क्या गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वो सब प्रचारकों की बुराई करते नहीं घूमा था। यदि आप में से कोई भी किसी भी ऐसे प्रचारक को सुने जिसकी सेवकाई का भाग लोगों को एक्सपोज करना है,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु एक्सपोज करने के लिए नहीं आया है, वो तो हमारे पापों को ढांपने के लिए आया है। इसलिए पता है, वो जो स्त्री को लोग लेकर आए थे जिसने व्यभिचार किया था, वो व्यभिचार करते हुए पकड़ाई थी। यीशु को पता था उसने व्यभिचार किया है। लोग कहते इसके साथ क्या किया जाए, कैसे पत्थरबा किया जाए, सब अपने हाथ में पत्थर लिए हुए थे। यीशु जमीन पर झुका और यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगा, और जब यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगा, यीशु कहता है जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और उसके बाद यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिखने लगा। लोगों का प्रश्न यह है, प्रभु जमीन पर लिख क्या रहे थे? लोगों का क्वेश्चन यह है, प्रभु आप जमीन पर लिख क्या रहे थे? पता है, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया, प्रभु वहां पर कोई, वो जितने लोग आए थे उनके पापों को लिख रहे होंगे। बाइबल में नहीं लिखा हुआ है प्रभु क्या लिख रहे होंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया है, प्रभु लोगों के जो वहां पर खड़े थे पत्थर मारने के लिए आए थे उनके पापों को लिख रहे थे। मगर मेरा प्रश्न यह है, प्रभु आप तो बता सकते थे, राहुल तूने ये पाप किया, करण तूने ये पाप किया, डेविड तूने ये पाप किया, क्रिस्टोफर तूने ये पाप किया, प्रभु आप सबके सामने कह सकते थे। मगर तभी भी आप सबको सबके सामने नहीं कह रहे, आप जमीन पर लिख रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु जमीन पर लिख रहे थे, सब अपने पापों को देख पा रहे थे। शायद विशाल अपने पापों को देख पा रहा था, शायद अर्पित अपने पापों को देख पा रहा था कि मैंने क्या पाप किए, वो यीशु लिख रहा है। मगर प्रश्न उठता है, क्यों यीशु ने सबको नहीं कहा कि तेरे ये पाप है, तेरा ये पाप है? पता है क्यों? क्योंकि यीशु एक्सपोज नहीं करना चाहता था। हालेलुया। शास्त्री और फरीसी जो सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल है, वो एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। मगर पता है, यीशु पापों को ढापने का काम कर रहा है। यदि आपको अगर ऐसा लगता है किसी ने पाप किया है, उसके विषय में लोगों को बताना मत प्रारंभ करिए। यदि आपको लगता है किसी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, कोई व्यभिचार में पकड़ा गया, उसके विषय में जाकर लोगों को मत बताइए, मगर कोशिश करिए आप कैसे उसे प्रभु में ला सकते हैं, आप कैसे उसके जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो प्रभु से प्यार करने लग जाए। वी आर नॉट हियर टू एक्सपोज समबडी, बट वी आर हियर टू कवर देयर सिंस। वी आर हियर टू कवर देयर सिन। व्हाई? Because Jesus lives inside of us. यदि यीशु आपके अंदर है, you will not expose anyone. You will never expose anyone. You will simply hide their sin. You will cover their sin. Because we are not here to judge somebody. और बाइबल कह रही है, जिस नाप से तुम नापते हो, उसके उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आप लोगों को जज यदि कर रहे हैं, आज से हम जज नहीं करेंगे, आज से हम किसी को जज नहीं करेंगे। थैंक यू जीसस। आज मैं आप लोगों को आज की सुबह में इनकरेज करना चाहता हूं, आज की सुबह में मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों को जज करना छोड़ दीजिए। मैं क्योंकि ऑनलाइन इस बात बहुत सारे लोगों के प्रचार सुनते रहता हूं, मुझे ऐसे दो या तीन ऐसी सेवकाई या पता थी। एक सेवकाई किसी मिनिस्टर को लेती थी, प्रभु के दास को लेती थी, उसकी बुराई करती थी। ये दूसरी किसी दास को लेती थी, बुराई करती थी। ये तीसरी किसी दास को लेती थी, बुराई करती थी। और कई सालों से ऐसा चल रहा था, ये इसकी बुराई कर रहा है, ये इसकी बुराई कर रही है, ये पास्टर ने ऐसा बुरा काम किया, ये पास्टर ने ऐसा बुरा किया। और एक समय ऐसा आया, मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया, वो तीनों सेवकाई एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलने लगी। ये बोली कि तू इसको एक्सपोज करता है, ये बोले तू इसको। पता है मुझे एक बात समझ में आई, जो वो दूसरों के लिए कर रहे थे, वो दूसरे लोग उनके लिए सेम कर रहे। जिस नाप से वो नाप रहे थे, लोग उनको वैसे नापने लगे। जहां पर वे दोष लगा रहे थे, लोग उन्हें दोष लगा रहे हैं। और मैं जब ये कह रहा हूं, मैं उन पर दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपको और मुझे क्या नहीं करना है। हालेलुया। आपको और मुझे क्या नहीं करना है? हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए ये बात कही, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं भी दोष लगा रहा हूं। मैं दोष नहीं लगा रहा, मैं सिंपली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं।
वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन। हालेलुया। किसी कोई व्यभिचार में पकड़ा गया, आप कैसे उसे प्रभु के पास फिर से ला सकते हैं? यदि कोई गलती में पकड़ा गया, आप कैसे उसे प्रभु के पास ला सकते हैं? कोई अपने जीवन में गलत काम कर रहा है, आज दिन भर में आप कैसे उसे प्रभु के पास ला सकते हैं? हालेलुया। वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन। हां, आप किसी को जज करना, आपको जज करने की बहुत इच्छा होती है, आपको जज करने की बड़ी आदत है, तो आपको एक व्यक्ति को जज करना है, और वो है आपको स्वयं को जज करना है। आपको किसी और को जज नहीं करना है, आपको स्वयं को जज करना है। क्योंकि जब हम दूसरों को जज करते हैं, हम नीचे गिरते जाते हैं, मगर जब हम अपने आप को जज करते हैं, हम लोग ऊपर उठते जाते हैं। हालेलुया। जब आप दूसरों को जज करते हैं, आप नीचे गिरते जाते हैं, मगर जब आप स्वयं को जज करते हैं, आप आत्मिक रूप से उन्नति पाते हैं। हालेलुया। आइए कोई लिख कर कहे, मैं दूसरों को जज नहीं करूंगा, मैं अपने आप को जज करूंगा। आइए सब लोग लिखे, जज करना मतलब अपने आप को चेक करना, अपने आप को जांचना। आइए सब लोग लिखे, सब लोग जल्दी जल्दी लिखे, मैं दूसरों को जज नहीं करूंगा, मैं अपने आप को जज करूंगा। हालेलुया। मैं दूसरों के पापों को उगाड़ूंगा नहीं, उनके पापों को एक्सपोज नहीं करूंगा, मगर मैं उनके पापों को कवर करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। जब करेक्ट करने की बात आती है, पौलुस ने अपनी कलीसिया को करेक्ट किया है। हालेलुया। वो बड़ा माइक लगाकर, वो बड़े भोपू लगाकर वहां पर चिल्लाता नहीं था, किसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया। वो कलीसिया से कहता था, वो कलीसिया को करेक्ट करता था। जब मैं अपने चर्च में प्रचार करता और मुझे ऐसा लगता है कि चर्च में ये समस्या है, मैं जरूर प्रचार में उस बात को कहूंगा कि लोग करेक्ट हो जाएं, मगर मैं अपने चर्च के लोगों की बुराई दूसरों को जाकर नहीं करूंगा कि ये इस समस्या, ये इस पाप में गिरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं दूसरों को जज नहीं करूंगा, अपने आप को जज करूंगा। आई विल नॉट जज अदर्स, आई विल जज माई सेल्फ। मैं अपने आप को जांचूंगा। आज दिन भर अपने आप को जांचिए, अपने आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या घटिया है। क्या आप जब बोलते हैं तो लोगों के हृदय में वो लगती है, चुभती है बातें, या जब आप बोलते हैं क्या वो लोगों के हृदय को दुख देता है, या जब आप बोलते हैं, जब आप कुछ भी काम करते हैं, शायद आपके परिवार वालों को हर्ट होता है। I will not judge others. मैं अपने आप को जांचूंगा, मैं अपने आप को परखूंगा, मैं देखूंगा कि मैं कहां पर गलत हूं। और यदि आप ऐसा करेंगे, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करेंगे, हालेलुया। मैं बिलीव कर रहा हूं आज के बाद हम लोग, मैं देखिए, मैं आपको इस सुबह के समय में उत्साहित करने का भी काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ जो करेक्शन हमारी लाइफ में जरूरी है, उन करेक्शन को भी हम लोग अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। हालेलुया। आज दिन भर अपने आप को जांचेंगे, आज दिन भर अपने आप को चेक करेंगे, आज दिन भर अपने आप को जांचेंगे, आज दिन भर सोचेंगे, प्रभु मैं कहां पर गलत हूं। हालेलुया। आपको पता है, कभी कभी आप देखते हैं आपकी पत्नी में क्या गलतियां हैं, मगर जिस मोमेंट पर आप सोचना चालू करते हैं, मुझ में क्या गलतियां हैं, हालेलुया, मुझ में क्या गलतियां हैं, उस समय आपका रिलेशन सुधरने लगता है। हालेलुया। जब आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स में क्या गलतियां हैं, मगर जिस समय आप वो छोड़कर देखते कि मैं बेटा और बेटी हूं, मुझ में क्या गलतियां हैं, आपका रिलेशन सुधरने लगता है। हालेलुया। आइए क्यों ना अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना कर दूं, और प्रभु के साथ सामने हम सब आ जाएं, हम सब लोग प्रभु के सामने आ जाएं, और प्रभु के सामने आकर कहें, प्रभु हम लोगों को जज नहीं करेंगे, हम लोगों को नहीं जांचेंगे, हम अपने आप को जज करेंगे, आज से हम अपने आप को देखेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। आइए कौन अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह, समय में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, यदि आज तक हम किसी को जज करते आए, यदि हमने हमारे चर्च के मेंबर्स को जज किया है, यदि हमने हमारे पास्टर को जज किया है, यदि हमने हमारे कलीग को जज किया है, यदि हमने हमारे कॉलेज के किसी व्यक्ति को जज किया है, यदि उसके पाप में गिरने पर हम लोग खुश होकर लोगों को बता रहे हैं, यदि उसकी कमियों को देखकर हम लोगों को बता रहे हैं,
प्रभु मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के पराक्रम नाम में, इसी समय पिता परमेश्वर हम इस बात को कहते हैं, हम लोगों को जज नहीं करेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे, सुधारेंगे, जज करेंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे। प्रभु इस समय स्पिरिट में प्रभु मैं किसी की स्किन को देख रहा हूँ, मैं प्रभु जब किसी की स्किन को देख रहा हूँ प्रभु, मैं उसकी स्किन के ऊपर प्रभु उस स्किन का जो हिस्सा है प्रभु उससे उस चमड़ी को बड़ा हार्ड देख रहा हूँ, बड़ा ही हार्ड है वो हिस्सा जो है, वो स्किन डिजीज जो है जहाँ पर हुई है, वो पर्टिकुलर स्किन जो है वो बड़ी बड़ी सख्त हो गई है, बड़ी हार्ड हो गई है। और इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप जिस किसी भी स्थान पर आप अपने उस स्किन पर तेल को, ऑयल को लीजिए, उस ऑयल को लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, जब वो भाई या बहन प्रभु जी जो भी क्यों ना हो, जब प्रभु उस ऑयल को पिता परमेश्वर जो प्रभु इसके हाथ में लेकर अब ये प्रार्थना करेंगे, मैं प्रभु उस तेल पर आपके अभिषेक को मांग लेता हूं। आपका वचन कहता है कि तुम में जो निरोगी हो, जो भी तुम में बीमार हो, उसके शरीर पर तेल लगाकर प्रार्थना करो। प्रभु इस तेल पर आपके अभिषेक को प्रभु मांग लेता हूं। और जब ये भाई या बहन प्रभु अपने शरीर के उस हिस्से पर जहां पर स्किन डिजीज है, और वो स्किन डिजीज जहां पर हुई है वो बड़ी सख्त हो गई है स्किन, उस स्थान पर आपके लहू को लगा देता हूं। इस तेल को लगाते समय चंगाई की घोषणा करता हूं। आने वाले पूरे एक महीने तक रोज रोज उस स्किन के ऊपर ऑयल लगाइए, ऑयल लगाइए, ऑयल लगाइए, ऑयल लगाइए, और प्रार्थना करिए प्रभु, और प्रोक्लेम करिए प्रभु आपने मुझे ठीक कर दिया है, प्रभु आपने मुझे ठीक कर दिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर पर स्किन डिजीज है और वो पर्टिकुलर प्लेस जो है बड़ा हार्ड हो गया है, बड़ा ही सख्त हो गया है, प्रभु आपकी स्किन डिजीज को ठीक करने पाए, जितने बीमार हैं हील होने पाए। आज दिन भर हम सब प्रभु में आनंद करेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं हम टेंशन में रहते हैं, जब हम स्वयं को जज करते हैं, फोकस करते हैं, हम लोग आनंद करते हैं, हमने अपनी कमियों को पा लिया, अब हम इसे निकाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप में से किसी को अपनी कमियां ढूंढने में तकलीफ हो रही है तो अपने पड़ोसी से पूछ लेना, वो बड़ी आसानी से आपको बता देगा। हालेलुया, ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो पाप कर बैठेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, हमारी गलतियां निकालना, हमारी गलतियों पर फोकस करना कठिन है। प्रभु आपको आज दिन भर में आशीषित करे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आज के संपूर्ण दिन में आपके साथ बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका कैरेक्टर ऐसा था कि जहां पर आप लोगों पर दोष लगाते थे, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, आज से हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, आज से हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे, हम अपनी कमियों को देखेंगे, उसे सुधारेंगे, उसे करेक्ट करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया, मैं बिलीव कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, आज के वचन से आप, आज के वर्ड से आप ब्लेस हुए हैं, और मैं बिलीव कर रहा हूं मेरा प्रभु आज संपूर्ण दिन में आपको आनंद देने जा रहा है, आपको विक्ट्री देने जा रहा है, आपको आपको एक नए अनुभव के साथ लेकर जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज दिन भर में जो भी बैटल होने वाले हैं उसमें आप जीतने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप हारेंगे नहीं, क्योंकि यीशु के द्वारा आप विजयी हो चुके हैं। आप हर एक बैटल को फेस जरूर करेंगे, आप हर एक बैटल का सामना जरूर करेंगे, मगर विजयी तो आप होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। आइए, जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट किया था कल जिन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था और कितने लोगों को किया था, जल्दी जल्दी मुझे लिखकर बता दें। हालेलुया, जल्दी जल्दी मुझे लिखकर बताएं कितने लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया था। जितने लोग नए हैं, जो हमें नए लोग हैं और देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पर एक ब्रॉडकास्ट करके एक ऑप्शन होता है जहां पर आप कई लोगों को प्रभु के वचन को शेयर कर सकते हैं। पहले वो समय था कि हम सड़कों पर जाकर ट्रैक बांटते थे, मगर आज वो संभव नहीं है लॉकडाउन के कारण और दूसरी परिस्थितियों के कारण। मगर उस ट्रैक से के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि आसान तरीका है, जहां पर आप एक मिनट के अंदर कई लोगों को प्रभु का गॉस्पल शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, इस लिंक को कॉपी करें, अपने व्हाट्सएप पर जाइए, ब्रॉडकास्ट बनाइए, और हर दिन जैसे आप इस वचन को सुनते हैं, सेम डे सेम मोमेंट पर साथ में ही आप एक साथ कई लोगों
को 80, 100, 200, 300 लोगों को आप एक मिनट के अंदर सब लोगों को इस वचन को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। आप ऐसे कितने लोगों ने इस वर्ड को फेसबुक पर शेयर किया है, प्लीज शेयर करिए। आशीष भाई ने 377 लोगों को शेयर किया है, व्हाट्सएप पर पर्सनली उन्हें भेजिए। श्वेता ने 67 लोगों को, कुछ लोगों के रेट जो है वो पहले बहुत लोगों को भेजते थे, वो कम होते जा रहे हैं। हालेलुया, उसे कम मत करिए, उसे बढ़ने दीजिए। हालेलुया, जब आप एक छोटा सा स्टेप प्रभु के गॉस्पल के लिए करते हैं, प्रभु बड़े कार्यों को आपके लिए करता है। वंडरफुल राहुल, प्रतीक्षा वेरी गुड, हालेलुया, तनीषा वेरी गुड, हर्षिता वंडरफुल, हालेलुया, सिस्टर कादंबरी 9 लोगों को वेरी गुड, मिकल ने 400 लोगों को वेरी गुड, अर्पित भाई ने 90 लोगों को, अर्पित भाई का जो वो है वो ग्राफ जो है वो बढ़ गया है। हालेलुया, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, इसलिए नहीं क्योंकि हमें फेमस होना है, मगर इसीलिए क्योंकि जो वर्ड रोज सुबह आ रहा है वो फ्रेश मन्ना लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया, मैं बिलीव कर रहा हूँ कि इन दिनों आप आशीषित हो रहे हैं। मैं आप लोगों के वीडियो का वेट कर रहा हूँ। कल मैं कुछ लोगों के वीडियो देख रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एक सिस्टर ने दमो से एक वीडियो भेजा था, एक सिस्टर आभा करके उन्होंने भेजा था, बहुत सारे लोगों ने भेजा और उनके जब वीडियो में देख रहा था, डॉक्टर सुरेश ने भेजा, हमने उसे फेसबुक पर भी डाला, आपकी भी वीडियो को हम लोग फेसबुक पर डालेंगे जिससे कि कई लोग आशीषित हो सके। हालेलुया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेज दिया है, जिन्होंने नहीं भेजा है समय निकालिए, वीडियो भेज दीजिए जिससे कि हम लोग जान सके कि प्रभु आपको कैसे ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, कल सुबह 7:30 नहीं क्योंकि कल संडे है, कल सुबह 7:30 नहीं क्योंकि कल संडे है, कल हम 10:30 मिलेंगे, 10:30 टुमारो वी विल मीट बाय 10:30 मॉर्निंग। मैं चाहता हूं आप इसी समय अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म करिए कल 10:30 चर्च है और कल आइए, क्यों ना। कल मैं एक बहुत अच्छे वर्ड पर प्रीच करने वाला हूं, प्रैक्टिस योर फेथ। और कल के बाद से हीलिंग गिफ्ट, प्रोफेटिक गिफ्ट और बहुत सारे वरदान जितने लोग चाहते हैं उनके लाइफ में एक्टिवेट होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, कल प्रैक्टिस योर फेथ, ये वर्ड को मैं शेयर करने वाला हूं और जब मैं इस वर्ड को कल शेयर करूंगा, आप में से कई लोग कल के बाद से अपने अंदर जो प्रभु ने आपको दान और वरदान दिए हैं उससे कल से प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे। आपकी प्रार्थनाओं से लोग ठीक होंगे, आपके कहने से कई लोगों के लाइफ में बदलाव आएंगे, ऐसा कल से ही होने जा रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अर्पिता डेविड ने 100 लोगों को शेयर किया, वंडरफुल सिस्टर, मैं आप सबको इनकरेज कर रहा हूं, आप सबको उत्साहित कर रहा हूं, प्लीज ऐसा करिए। आज दिन भर में जितने लोगों को, जिन लोगों को आप ब्रॉडकास्ट करते हैं उनको इनकरेज करिए, पर्सनल बात करिए, उनसे कहिए कल 10:30 हमें चर्च अटेंड करना है। हालेलुया, कल हम लोग प्रभु भोज भी लेंगे, ऑनलाइन प्रभु भोज होगा, जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, वही सिर्फ प्रभु भोज हमारे साथ ले, और जितने लोगों ने ऐसा नहीं किया है वो ना ले। साथ ही साथ मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहता हूँ, जब आप कल प्रभु भोज के लिए प्रिपेयर होंगे, कल आप जब प्रभु भोज लेने के लिए तैयार रहेंगे, अपने साथ दाखरस जरूर लेकर रखिए, फ्रूट जूस, और कोशिश करिए कि अंगूर का रस जो है वो आप अपने घर पर लेकर रहे, साथ ही साथ आप ब्रेड या फिर रोटी अपने साथ लेकर रहे। कुछ कई लोग इस बात को कहते हैं कि ऑनलाइन प्रभु भोज देना जो है वो गलत है। हाँ, उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, नए हैं, वो अगर घर पर प्रभु भोज ले वो सही नहीं है, मगर जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, लॉकडाउन के कारण हम लोग जब फेलोशिप ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग प्रभु भोज भी ऑनलाइन ले सकते हैं। हालेलुया, कई लोगों के अपने अपने माइंडसेट है इस बारे में, आइए हम लोग उस बारे में ज्यादा बात ना करें, मगर हम लोग जो परमेश्वर का आत्मा हमें कह रहा है हम लोग वैसा करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। कल सुबह 10:30 हम लोग फिर से मिलने जा रहे हैं। प्रभु आज संपूर्ण दिन में आपके साथ रहे। हालेलुया, आज संपूर्ण दिन में आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। कल सुबह मिलते हैं 10:30। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हैव अ ब्लेस्ड डे। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। बाय।